शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई, आज जो हमने यहाँ पत्रकार वार्ता की है, यहाँ से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं, उन राजनेताओं को संदेश देना चाहते हैं, खासकर बीजेपी के उन नेताओं को संदेश देना चाहते हैं जो आज धर्म के जो है एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जो इस समय मुंबई के अंदर हो रहा है, हनुमान चालीसे को लेकर जो घमासान छिड़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारी सबसे पहले तो अपील है इन नेताओं से, और हम इनको नसीहत भी देना चाहते हैं कि धर्म के ऊपर राजनीति ना की जाए। धर्म की आड़ के अंदर जो जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को जो अफीम चटाने की कोशिश की जा रही है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। देखिए कल जम्मू के अंदर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमने उनका स्वागत करने के लिए एक अलग तरीके से हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, राष्ट्रवाद के साथ उनका स्वागत करना चाहते हैं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। हम कल जम्मू के हरि सिंह प्रतिमा स्थल पर जो जम्मू तवी पर स्थित है वहां पर तमाम शिव सैनिक यहां से उनका स्वागत करेंगे वंदे मातरम गाकर। और हम प्रधानमंत्री जी से भी अपील करते हैं, उनसे मांग भी करते हैं कि वे अपनी स्टेज से, जो उनका अपना वहां पर स्टेज होगी जो सांबा में लगने जा रही है, तहसील सांबा के बल्ली ग्राम पंचायत के अंदर, वहां से वो भी एकता का संदेश दें, जम्मू कश्मीर में भाईचारे का संदेश दें। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कल जम्मू कश्मीर में विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के लिए, और जो सब देश में सबसे ज्यादा इस समय जो जम्मू कश्मीर के अंदर महंगाई है उस पर काबू पाने के लिए, जम्मू कश्मीर के पर्यटन को और उद्योग के लिए एक बड़े पैकेज के राहत पैकेज की जो है अपील कि धर्म से ज्यादा राजनीति राष्ट्रवाद के ऊपर आगे आए। हम वंदे मातरम के गुणगान के साथ, गीत के साथ हम प्रधानमंत्री जी का जम्मू में हरि करते हैं कि सांबा के बल्ली के अंदर जो उनकी रैली है कल, वहां पर जो प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, वो अपनी स्टेज से संदेश दे, वहां से देश की अखंडता का संदेश दे प्रधानमंत्री जी। इसके साथ ही हम उनको अपील करते हैं कि अपने नेताओं को आगाह करें कि जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति करने लगे हैं, और हद तो यहाँ तक पार कर चुकी है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाने की जो राजनीति की जा रही है उसकी हम कड़े शब्दों के अंदर